एक साल आगे पीछे होने से किसी बच्चे का भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात पेरेंट्स को समझना होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव है। कुछ दिन और परीक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, बिहार जैसे कई प्रदेशों में बाढ़ आए हुए हैं, बस की सुविधा नहीं है, होटल नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हो सके कि सरकार है वो अच्छे से परीक्षा कराए, सेंटर पर सारे इंतजाम करा ले, लेकिन सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत देर तक 3 घंटे तक लगातार मास्क लगाए रहना और उस परिस्थिति में 100% दिमाग काम करता रहे, जवाब देना सच में एक चैलेंजिंग जॉब है, हमारा तो मानना ही है। कुछ बच्चों के मन में रहेगा, अरे बगल वाला साथी कहीं कोरोना पीड़ित तो नहीं है, अरे इससे टच हो गए कहीं कोरोना तो नहीं गया, तो एक मानसिक दबाव ऊपर से ही है। डेट बढ़ाने से फायदा है, अब दीपावली तक बढ़ाया जाए या दिसंबर तक, सेशन के लिए मत डरे। देखिए अब महामारी है, पूरी दुनिया संकट में, भाई आप एक साल में क्या कर लीजिएगा बच्चे कि तुरंत पूरी दुनिया बदल दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। होना ये चाहिए कि अगले साल के बच्चों की जो परीक्षा है वो अप्रैल महीने में, इन लोगों की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो, तो 3-4 महीने का गैप रहेगा, तो सेशन भी 3-4 महीने उसी अनुसार से लेट चलेगा। सेशन जब उसी अनुसार लेट चलेगा, गैप बना के चलेगा, तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता, सिलेबस थोड़ा घटाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना, सेकेंड ईयर पे भी फर्स्ट ईयर का बचा हुआ कुछ पढ़ाना, ऐसे करके मेकअप किया जा सकता है।